हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के स्टूडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर आप मोटरोला मोबाइल पर एप्स हाइड कैसे कर सकते हो। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है कि मोटरोला का जो भी मोबाइल आता है, यहाँ पर पुराना वाला या नया वाला कोई सा भी मोबाइल देख लो आप, यहाँ पर बिल्कुल क्लीन यूआई के साथ आता है, जिसमें ना तो आपको यहाँ पर एप्स लॉक देखने को मिलता है और ना ही यहाँ पर आपको एप्स हाइड वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप यहाँ पर बिना थर्ड पार्टी ऐप के यहाँ पर मतलब की एप्स को हाइड कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऐप हाइड नहीं होगा, यहाँ पर आपका आइकन शो होगा, लेकिन यहाँ पर मतलब कि क्लोन के रूप में ऐप आप अंदर ही यूज कर पाओगे। तो दोस्तों, जो भी बताऊंगा यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन में बताऊंगा, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ कि आप यहाँ पर किस प्रकार से मोटोरोला मोबाइल में यहाँ पर आप एप्स को हाइड कर पाओगे। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले अपना मोबाइल का डिवाइस दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ मेरे पास मोटो वाला ही यहाँ पर मोबाइल है, आप यहाँ पर देख सकते हो लोगो। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर मतलब कि एप्स को हाइड करने के लिए आपको करना क्या होगा। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बहुत सारी वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, तो उसमें थर्ड पार्टी ऐप बताई रखता है। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको थर्ड पार्टी अपना बताकर यहाँ पर मैं एप्स का क्लोन ही बताता हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर तो शो होगा ऐप, लेकिन वो यहाँ पर मतलब कि हाइड की तरह ही काम करेगा। मतलब कि अगर आपका यहाँ पर एड यहाँ पर जो ऐप यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर अंदर भी रहेगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पर क्लियर डाटा रखना है ताकि यहाँ पर लॉग इन ना हो और वहाँ पर आप अंदर यूज कर पाओगे। तो सिंपली फ्रेंड्स, उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर अपना मोटो सिक्योर ओपन कर लेना है। मोटो सिक्योर ओपन करने के बाद इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योर फोल्डर वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करके इसे यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है, तो दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है मतलब कि मेरे से। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इसे यहाँ पर पासवर्ड वासवर्ड देकर यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है यहाँ पर ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड लगा देना है। पासवर्ड लगाने के बाद अब आपको करना है क्या है कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पर सिक्योर फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं फुल स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। अब आपको यहाँ पर नीचे एड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एड एप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप एड एप्स देख सकते हो। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको इस पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर मैं फेसबुक को यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, क्लोन करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आप किस प्रकार से यहाँ पर काम करेगा। तो दोस्तों, आपको इस पे यहाँ पर राइट कर देना है। राइट करने के बाद आप यहाँ पर दोस्तों आपकी फेसबुक यहाँ पर आ जाएगी अंदर। अब सिंपली फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको फेसबुक पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद अब आपको करना है क्या है कि जो आपके यहाँ पर बार वाली फेसबुक है, यहाँ वाली ये वाली आपके पास यहाँ पर जो फेसबुक है बार वाली, उसे आपको यहाँ पर लॉग आउट कर देना है। मतलब कि यहाँ से आप इस पर क्लिक करके रखना है और यहाँ से ऐप इन्फो पर जाकर यहाँ पर क्लियर स्टोरेज कर देना है, इसका क्लियर डाटा कर देना है ताकि यहाँ से मतलब कि लॉग आउट हो जाए। यहाँ पर अगर आप कोई भी आपका मतलब कि यहाँ पर फेसबुक ओपन करता है तो कुछ भी यहाँ पर मतलब शो ना हो, यहाँ पर मतलब कि ये फेसबुक खाली रहे और यहाँ पर आप उसे यूज कर जब भी आपको यूज करना हो तो आप यहाँ पर मतलब कि अंदर जाकर यहाँ पर यूज करें। तो सिंपली फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर अंदर चले जाना है। अंदर जाने के बाद अब आपको यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉगिन ही रहने देना है यहाँ पर, और यहाँ से आपको डायरेक्ट यूज करना है, जिससे सामने वाले को पता लगेगा कि आप यहाँ पर फेसबुक यूज नहीं करते हो, लेकिन आप यहाँ पर अंदर की साइड यहाँ पर आप उसे यहाँ पर बराबर यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप यहाँ पर मतलब कि बिना किसी एप्स डाउनलोड किए, बिना थर्ड पार्टी ऐप के यहाँ पर मोटो में यहाँ पर आप एप्स हाइड कर पाओगे। मतलब कि दोस्तों, इसे यहाँ पर एप्स को हाइड करना तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर ऐप का क्लोन बोल सकते हो। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर आपको होता क्या है कि यहाँ पर आपका ऐप सामने भी नजर आता है, लेकिन यहाँ पर वो मतलब कि चलता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप अंदर से ही पूरा काम कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर अंदर से, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल यहाँ पर आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों, अभी मेरी वाली फाइल है ना, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डाउनलोड्स, वीडियो, इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर पूरी की पूरी फाइल खाली है ये मेरे पास। और दोस्तों, जो बार वाली फाइल है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हो आप डाउनलोड्स, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, इमेज और ऑडियो, इस प्रकार से यहाँ पर भरी हुई फाइल है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अगर इसे यहाँ पर यूज ना करके यहाँ पर पूरा डाटा यहाँ पर अंदर ले लेता हूँ, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर मतलब कि फाइल्स के अंदर कुछ यहाँ पर डाटा भी यूज करता हूँ। पूरा का पूरा डाटा मैं अंदर ले सकता हूँ। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप यहाँ पर मतलब कि एप्स को हाइड या क्लोन कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।